लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज और अपडेट्स के लिए माय क्रिकेट प्रोडक्शन को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यश। आपने ट्यून इन किया है माय क्रिकेट प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंडियन प्रीमियर लीग में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ सीएसके का जब मैच हो रहा था, उस दौरान हमें जिस तरह से सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी बैक इंजरी के कारण चोटिल हो गए थे। हालांकि दोस्तों, चोट के बावजूद भी उन्होंने उस पूरे मैच को खेला और अंतिम ओवर तक उस गेम को ले गए। हालांकि दोस्तों, सीएसके की टीम मैच नहीं जीत पाई, लेकिन उस मैच ने यह साबित कर दिया कि महेंद्र सिंह धोनी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी और कप्तान है। दरअसल दोस्तों, इसका प्रमाण अब मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है इंजरी से जुड़ी हुई, वो यही है कि धोनी को ग्रेड वन बैक इंजरी हुई है, जिसका मतलब साफ है कि उस समय जब उन्हें यह इंजरी हुई थी, वो खेलने की स्थिति में नहीं थे। और अगर फिजियो आते, दूसरे खिलाड़ी होते उनके स्थान पर, तो वो खिलाड़ी फिजियो के साथ वापस ग्राउंड पर बाहर चला जाता, मतलब वो उसको आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी को पता था कि उस समय अगर वो नहीं टिकते तो टीम शायद इस मुकाम पर भी नहीं पहुंच पाती। हालांकि ग्रेड वन बैक इंजरी इतनी बड़ी इंजरी नहीं होती है जिसमें जो खिलाड़ी है वो पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो जाए। आपको पता ही होगा कि केदार जाधव को ग्रेड टू हैमस्ट्रिंग इंजरी हुई थी, इसके कारण वो बाहर हुए थे। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ग्रेड वन बैक इंजरी हुई है और एक हफ्ता उन्हें लग सकता है इस पूरी रिकवरी प्रोसेस में। रिहैबिलिटाइजेशन की प्रोसेस उनकी स्टार्ट हो गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात दोस्तों यहां पर यही निकल कर आ रही है कि लगभग 4-5 दिन बाद 20 अप्रैल को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स अपना मैच खेलने वाली है। और महेंद्र सिंह धोनी ने साफ कर दिया है कि वो अगले मैच में भी टीम का हिस्सा होंगे। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी रिहैब फुली नहीं कर पाएंगे, उसके बावजूद भी टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सीएसके की टीम अभी अच्छे दौर से गुजर नहीं रहे हैं। जो सुरेश रैना है वो भी चोट से जूझ रहे हैं, ड्यूप्लेसिस भी चोट से जूझ रहे हैं, सेंटनर बाहर हो चुके हैं, केदार जाधव बाहर हो चुके हैं। इसलिए ज़रूरी है महेंद्र सिंह धोनी को इस मैच में खेलना, कप्तानी की ज़रूरत है, उनके कॉम्बिनेशन की ज़रूरत होगी सीएसके की टीम को। इसीलिए दोस्तों, ग्रेड वन इंजरी से फुली रिकवर होने के ना होने के बावजूद भी महेंद्र सिंह धोनी इस मैच में खेलते हुए नजर आएंगे। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी को बैक इंजरी हुई है, इससे पहले उन्हें फिंगर्स और एल्बोज इंजरी लगातार होती रही, और इन इंजरी के बावजूद भी वो मैचों में खेलते रहे और परफॉर्मेंस देते रहे हैं। तो भाई, ये तो थी पूरी फिटनेस और इंजरी रिपोर्ट महेंद्र सिंह धोनी की, और साथ ही दोस्तों ये भी तय है कि वो अगले मैच में ज़रूर खेलते हुए नजर आएंगे। इसी तरह की और खबरें लगातार पाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ।